गाइज अगर आप लोग डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना चाहते हो वो भी ओनली रेड नंबर, तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेजर्ट ईगल ओनली रेड नंबर ट्रिक एंड जितने भी सेटिंग है डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारने की सारे के सारे बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो भी टॉपिक्स है जो भी चीज़ है वो एकदम क्लियरली बताऊँगा, जिससे कि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा एंड ईजिली हेडशॉट मार पाओगे वो भी वन टैप डेजर्ट ईगल से। यहाँ पर गाइज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो यार मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए, तो गाइज आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, मतलब छोटी सी हेल्प करनी है, तो गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं पर भी जहाँ पर भी हो सके शेयर कर देना गाइज प्लीज, एंड उनको बोलना कि देखें जितने भी आपके फ्री फायर के दोस्त। तो गाइज मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर शेयर करोगे, एंड अगर आप लोग शेयर कर दोगे तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि मुझे पता चल जाएगी जिन लोगों ने शेयर किया है वो सब लाइक करके जा रहे। तो गाइज अभी आते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर, यानी कि डेजर्ट ईगल से वन टैप कैसे मारे। तो सबसे पहली बात गाइज, डेजर्ट ईगल एक ऐसी गन है, सबसे पावरफुल गन है, जिससे कि आप लोग पूरी स्क्वाड को भी खत्म कर सकते हो। ये एक ऐसी गन है ना गाइज, एक एक शॉट में पूरी स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि वन टैप मार के पूरी स्क्वाड को खत्म करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप लोग यहाँ पर देखो ये मैं खेल रहा हूँ, और देखो गाइज एक बंदे को हेडशॉट मारा, उसके बाद देखो मेरा दो बार ट्राई किया मेरा नहीं लगा, एंड यहाँ पर गाइज तीसरी बार ट्राई किया लग गया, चौथी बार ट्राई किया लग गया, पांचवी बार ट्राई किया लग गया, और भाई देख लो मतलब कैसे कैसे मैं रेड मार रहा हूँ। तो ये इतना ईजी गन है भाई, अगर इस गन से एक बार सीख लेते हैं कि कैसे हेड मारना है, कैसे रेड नंबर मारना है, कैसे ड्रैग करना है, क्या होना चाहिए हमारा सेंसिटिविटी, तो गाइज कसम से ये गन इतना इजी हो जाएगा चलाना, मतलब आपको फायर करना है और भाई बंदा खत्म, फायर करना है बंदा खत्म, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइज अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, अगर आप लोग बीच में ही छोड़ दोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताओगे यार तू तो फेक है, फालतू है यार, मतलब गलत टिप्स एंड ट्रिक देता है, मेरे तो वन टैप नहीं पड़ते। तो गाइज वीडियो को पूरा देख। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गाइज बेस्ट सेंसिटिविटी का, क्या होने वाला है बेस्ट सेंसिटिविटी वन टैप मारने के लिए डेजर्ट ईगल से। तो गाइज पहली चीज तो आपको बता दूं कि जो आपका सेंसिटिविटी है रेड डॉट और जो जनरल होता है वही मेन सेंसिटिविटी होता है। दूसरा सेंसिटिविटी कुछ भी रखो, 4x 2x या फिर जो स्नाइपर का, ये कुछ भी रखो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी दो सेंसिटिविटी यानी कि जो रेड डॉट होता है और जनरल होता है, इन्हीं को आपको मैनेज करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, जिससे कि आप लोगों के डेजर्ट ईगल से वन टैप पड़ेंगे बहुत ही तगड़े। गाइज अपने रेड डॉट को रखना है 90 एंड जनरल को रखना है 100। अब देखो गाइज 90 क्यों रखना है, क्योंकि जब आप लोग डीपीआई रखते हैं अपने मोबाइल में या फिर डीपीआई नहीं भी होता है, तो गाइज क्या होता है कि हम अपने सेंसिटिविटी को पूरा कर देते हैं, तो गाइज बहुत सारी गोलियां रिकॉइल करती हैं। आप लोग देख लेना गाइज कि हेड पर नहीं अगर हम फायर करते जाते तो गाइज रिकॉइल मारती बहुत सारी गोलियां। तो इसकी वजह से रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अपने आपको सेंसिटिविटी को कम रखना है, जैसे कि मैंने 90 बोला है तो 90 रखना है। उसके बाद गाइज बात करते हैं कि फायर बटन की साइज कितनी रखनी है एंड फायर बटन का पोजीशन क्या रखना है। यहाँ पर गाइज आप सबको पता है कि डेजर्ट ईगल एक ऐसी गन है जो कि मतलब एकदम जैसे इसका फायर रेट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, एकदम कम फायर रेट है, जिसमें कि जैसे वन टैप मारने के लिए काम आती है। अगर गाइज यहाँ पर यूएमपी होता तो हम अपने फायर बटन को छोटा रखते हैं, उसको हम रोटेशन ड्रैग करते ना तो भाई बहुत ही ईजिली मार पाते हैं, बहुत ही तगड़े हेडशॉट लगते हैं। लेकिन गाइज हमारे पास गन कौन सी है, रेट ऑफ फायर जिसका कम है, ठीक है गाइज, एंड ये गन एक ऐसी गन है जिसको मतलब गाइज हम लोग वन टैप के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इसका डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज इसके लिए अपने फायर बटन की साइज को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, यानी कि अगर आप लोग 60 रखते हो या फिर 65 रखते हो तो गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग डेजर्ट ईगल से वन टैप मारते हो। अब हो गया फायर बटन का साइज, यानी कि 60 के आसपास आपको रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है एंड छोटा नहीं करना है। अगर आप लोग यूएमपी चलाते हो तो गाइज छोटा रख सकते हो, अगर आपको यूएमपी के ऊपर वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि यूएमपी से रेड नंबर कैसे मारे। और गाइज दूसरी चीज़ बात करते हैं कि गाइज फायर बटन को कैसे ड्रैग करना है, कौन सी पोजीशन में एनिमी है तो कैसे हमको ड्रैग करना है, तो वो गाइज मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अपना एम है वो एनिमी के ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमी है गाइज। देखो एम ऊपर करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने जो भी एनिमी है उसके ऊपर डायरेक्ट मैंने रोटेशन ड्रैग कर दिया, तो जिसके ऊपर भी एम आया भाई मेरा डायरेक्ट हेडशॉट पड़ा। उसके बाद गाइज मैंने गन को रिलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एनिमी देखो गाइज मतलब राइट में है, ठीक है, थोड़ा सा राइट में मुड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया अपने फायर को नीचे खींच के राइट में खींचा, तो देखो इसको भी पूरा रेड नंबर पड़ गया। उसके बाद गाइज मैंने तुरंत रिलोड किया एंड यहाँ पर एनिमी सीधा आ रहा है, तो मैंने क्या किया बॉटम में अपने फायर के निचले हिस्से में क्लिक करके डायरेक्ट ऊपर ड्रैग कर दिया, देखो डायरेक्ट ऊपर ड्रैग कर दिया, तो गाइज इसको देखो वन टैप पड़ गया और ये बंदा डाउन हो गया। अब गाइज यहाँ पर बचा है एक बंदा, तो गाइज इसको मैं कैसे मारता हूँ आप लोग देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले अपने फायर बटन को नीचे खींच के राइट में ऊपर खींचा, लेकिन नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर रिकॉल हो गया। तो मैंने क्या किया, गन को स्विच किया, छोड़ा, मूवमेंट किया। उसके बाद गाइज क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो मैंने अपना एम वापस एनिमी के ऊपर किया। अब देखो यहाँ पर गाइज एनिमी कहाँ जा रहा है, राइट की साइड जा रहा है, तो मैंने अपने फायर बटन को नीचे खींच के राइट से ऊपर खींच दिया, देखो एंड इसको इजीली वन टैप पड़ गया।
तो ये सिंपल सा सिस्टम है वन टैप मारने का, जिस टाइप एनी जा रहा है मतलब जिस साइड वहाँ पर आपको अपने फायरबॉल को घुमा के कर देना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही तगड़ा वन टैप पड़ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यही है गाइज डेजर्ट ईगल का एक ही रूल है, एक ही सिस्टम है। तो गाइज आई होप कि मैंने आपको जो भी बोला आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो गाइज प्लीज़ शेयर करना वीडियो को यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज।